हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजपुरोहित खेतेश्वर युवा मंडल के तत्वधान में इस महा शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जागरण कार्यक्रम लगाया गया है। मैं युवा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा और राजपुरोहित समाज के हमारे अध्यक्ष जी एवं सभी अधिकारी गणों को भी मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा जो इतना सुंदर कार्यक्रम हर साल लगाते हैं। भाइयों, आज का जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है क्योंकि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जो कोई भी नर हो या नारी हो अगर सच्चे मन से शिव की आराधना करता है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मेरे भाइयों और इतने सुंदर मंच से, धार्मिक मंच से जो हमारे सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत ही अच्छे अपने विचार प्रकट किए हैं, उनका दर्द उन्होंने प्रकट किया है, जिस प्रकार से उन्होंने गौरक्षा का जो कार्य किया है, हमारे इस भारत देश में कुछ ऐसे भी गद्दार हैं मेरे भाइयों जो नहीं चाहते हमारी गौ माता की रक्षा हो, जो नहीं चाहते कत्ल खाने बंद हो। उन्हीं गद्दारों द्वारा जब एक गाय को काटा गया था तो हमारे सुरेंद्र सिंह अकेले उस क्षेत्र में घुसकर मरी हुई गाय को एक ट्रैक्टर में डालकर खुली चेतावनी दी थी कि इस गाय को जो काटेगा अब हम उसको काटेंगे, ये बोलने हमारे सुरेंद्र सिंह जी। और एक एसपी को, एसपी था ना सुरेंद्र भाई, उसको फोन पे वार्निंग दे दिए कि बेटा हमारे लोगों को छोड़ने तो हम तेरा बजाएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है सुरेंद्र जी तो ऐसे किसी के हाथ को घड़ते नहीं, लेकिन समय खराब था तो कौन क्या कर सकते, बस हाथ को घटे 11 महीने का सफर हो गया, यानी 11 महीने फार्म हाउस में आराम करने चले गए। मैं तो उसे फार्म हाउस कहूंगा क्योंकि कई वर्षों से मेरे भाइयों ये धर्म कार्य, देश कार्य हर किसी से नहीं होता मेरे भाइयों, इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। अगर हर कोई यानी 100 करोड़ हिंदू अगर अपना कर्तव्य अगर निभाए कि ये मेरी मां है, इसके प्राण मुझे बचाना की आवश्यकता है, अगर हर हिंदू खड़े हो जाए मेरे भाइयों तो इस भारत देश में एक भी गाय नहीं कटेगी, एक भी कत्लखाना नहीं रहेगा, अगर हर हिंदू अपना कर्तव्य जानकर अगर खड़े हो जाए तो। लेकिन दुर्भाग्य की बात, लोग ताली मारते हैं, लोग वाहवा करते हैं, लेकिन कोई भी महाराणा प्रताप बनने को तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। वो समय पर एक अकबर था, वो समय पर एक अकबर था, वो अकबर के सामने सर नहीं झुकाया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन उस गद्दार के सामने अपना सर नहीं झुकाने वाले हमारे महाराणा प्रताप। वो समय पर एक अकबर था, लेकिन आज हर गली हर मोहल्ले में हमें अकबर देखने को मिलेंगे। हमारे बाजू भी एक गद्दार है, हमारे बाजू भी एक गद्दार है, तो सोचिए हमें कितने महाराणा प्रतापों की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य के बाद सुरेंद्र जी, कोई भी माएं और कोई भी नौजवान मैं महाराणा प्रताप बनूंगा ये नहीं सोच रहे। बाजू के घर में महाराणा प्रताप पैदा हो जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं नहीं बनूंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। एक पुलिस वाले का डंडा देके तो घर के बाहर नहीं निकलते आज के नौजवान। मेरे भाइयों, आज का जो समय है ना, आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई राजनेता क्यों ना हो, लेकिन आने वाले समय में अगर वो हिंदुत्व की रक्षा करना चाहता है तो उसे हाथ में हथियार उठाना ही पड़ेगा, कंपलसरी उठाना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत देश की अगर रक्षा करना है, हर वो नौजवान को कमर कस के आगे बढ़ना होगा। मेरे भाइयों, ये लाल बत्ती के भरोसे ना देश की रक्षा होगी ना धर्म की रक्षा होगी। अब हर नौजवान को छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप बनना होगा, तभी हम हमारे धर्म की और हमारे गाय की रक्षा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आप सब जानते हैं सुरेंद्र जी ने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति
अगर एक गाय के प्राण बचाता है मेरे भाइयों, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप पैसों के दम पर अगर गौ रक्षा करना सोचेंगे, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। अगर आप पैसों के बल पर मैं थोड़े सी गाय को चारा खिलाऊंगा और बहुत पुण्यशाली बन जाऊंगा, ये आपकी गलत सोच है। अपने जीवन में एक ना एक दिन, अपने जीवन में एक ना एक दिन सिर्फ एक गाय के प्राण बचाओ। और अपने नजदीक में जितनी भी जो गौशाले हैं, जैसे भाई साहब ने कहा किसी को पैसा मत दो, अपने हाथ से चारा खिलाओ खरीद कर, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है मेरे भाइयों। मैं समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा, बस प्रार्थना करना चाहता हूं कि समाज आगे बढ़ना है तो नौजवानों को संगठित होना होगा, धर्म सुरक्षित रहना है तो हर नौजवान को यह सोचना होगा कि यह मेरा धर्म है, मुझे इसकी रक्षा करना है। जात पात पंथ को सब कुछ छोड़कर मैं हिंदू तू हिंदू, हम सब मिलकर एक संकल्प लेना है कि हमें अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एक संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना है। राम राज्य की स्थापना के लिए हमें आगे बढ़ना है मेरे भाइयों, तभी हम हमारे गौ माता की रक्षा कर सकेंगे, तभी हम इन्हें मूल्यों को हम जवाब दे सकेंगे। भारत माता की जय श्री राम। रामनवमी आ रही है 15 अप्रैल, ओ सॉरी 5 अप्रैल को, सब तैयार है ना, तैयार है ना। इधर उठी जो आंख तुम्हारी, चमकेगी तलवार कटारी, खून से इस धरती को हम नहला देंगे, हम उसको उसकी औकात बता देंगे। जय श्री राम।